हेलो, चलो करते आपको ये डाउट्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, ठीक है। चेटो प्राइम क्या है? मेडिवल इंडिया पार्ट ए द चोलास, चोला डायनेस्टी के बारे में थोड़ी सी बात होगी आप, और कुछ नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला सिचुएटेड साउथ ऑफ कृष्ण रिवर वर इनहेबिटेड बाय द्रविड़ियंस। दे हैड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर। द रीजन वॉज होम टू थ्री पावरफुल किंगडम्स, द चेरास, पांड्यज एंड द चोलास। द मोस्ट पावरफुल ऑफ द थ्री वर चोलास। ये हमने, अगर आपको याद हो तो इसके लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, ठीक है, साउथ के जो तीन किंगडम्स हमने पढ़े थे। तब इसे कह रहे हैं इंडियन पेनिनसुला में अगर साउथ का पार्ट देखा जाए तो वहाँ पे कृष्ण रिवर के पास एक पेनिनसुला सिचुएटेड है जहाँ पे लोग रहते हैं। जहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? द्रविड़ियंस। कहाँ? जहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? द्रविड़ियंस, है ना। इनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, इनका अपना खुद का कल्चर है, ठीक है। और इस रीजन है, ये तीन पावरफुल किंगडम्स का क्या है, घर है बेसिकली, द चेरास, द पांडेज एंड द चोलास। इसमें चोला सबसे ज़्यादा पावरफुल है। चोला एम्पायर विच अरोज इन नाइन्थ सेंचुरी ब्रॉट अंडर इट्स कंट्रोल अ लार्ज पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। चोला एम्पायर, चोला एम्पायर जो कि राइज हुआ था, जो कि राइज कब हुआ था? 9th सेंचुरी में हुआ था। ब्रॉट अंडर इट्स कंट्रोल अ लार्ज पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। उसने बहुत सारा एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया, उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपना एरिया बजदा एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। द चोलास डेवलप्ड, द चोलास डेवलप्ड अ पावरफुल नेवी व्हिच इनेबल देम टू डेवलप इंडिया सी ट्रेड इन द इंडियन ओशन एंड टू कंक्वर श्रीलंका एंड मालदीव आइलैंड्स। वो कह रहे उनकी जो नेवी थी, नेवी मतलब वाटर आर्मी आप कह सकते हो, ओशन आर्मी आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से उन्होंने डेवलप किया अपना सी ट्रेड, ठीक है, इन द इंडियन ओशन में, है ना। और श्रीलंका और मालदीव जैसे आइलैंड्स को उन्होंने जीत भी लिया, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी चोलास, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी चोलास डिफीटेड द पल्लवज ऑफ कांची एंड वी केम द पांड्यांस ब्रिंग द तमिल कंट्री, तमिल अंडर देयर कंट्रोल। और खैर 9th सेंचुरी के एंड की बात देखी है तो ना, पल्लवास को भी हरा दिया था कांची के, जो कि बेसिकली कौन थे, पांड्या किंग थे बेसिकली, तो उनको हरा दिया था। और उनको हराने के बाद तमिल को भी अपने कंट्रोल में ले आए, तमिल को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो सब हमें पता चलता है, कैसे पता चलता है, उनके सोर्सेस क्या है? तो पहले इंस्क्रिप्शंस, के थ्रू हमें पता चलता है। दूसरा भृदेश्वर टेम्पल है कोई, उससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। दो दो है, दो सोर्सेस है। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द चोला पीरियड इज द लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफ दैट पीरियड, ठीक है। राज राजा वन कंसीव्ड द आइडिया प्रीफिक्सिंग द प्रीफिक्सिंग टू हिज इंस्क्रिप्शन टू द मेन अचीवमेंट्स ऑफ हिज रेन। राज राजा वन थे उस टाइम को किंग रहे होंगे, ठीक है, जिनके दिमाग में एक आइडिया आया, जिन्होंने एक आइडिया कंसीव किया। वो क्या आइडिया था? आइडिया प्रीफिक्सिंग टू हिज इंस्क्रिप्शन द मेन अचीवमेंट्स ऑफ हिज रेन। उनके टाइम पे इतनी अचीवमेंट्स थे, उन्होंने उन सभी को अपने इंस्क्रिप्शन में लिखवा दिया, उन्होंने अपने सारे अचीवमेंट्स को इंस्क्रिप्शन में लिखवा दिया। द एग्जाम्पल ऑफ राज राजा वॉज फॉलोड बाई हिज सक्सेसर्स एज वेल। और ये सेम चीज उनके जो सक्सेसर्स थे वो फॉलो करते थे, यानी कि वो सारे अचीवमेंट्स अपने इंस्क्रिप्शन में लिखते गए। कंसिक्वेंटली देयर एग्जिस्ट अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन मेड बाय इसे चोला रूलर। इस वजह से एक फॉर्मल ट्रांजेक्शन वहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, यानी फॉर्मल डेटा वहाँ पे आ चुका है उनके बारे में, ठीक है।
The inscriptions of the Cholas are in the form of copper plate granite. जो inscriptions है वो किस में है? In the form of copper plate granite. Copper plate के form में है. Stone inscriptions भी हैं. Inscriptions made on the walls and the plates of temples. Walls पर plates पर भी inscriptions बने हुए हैं. The copper plate granite known as Anvil and Karandi as well as the Kanyakumari stone inscription gave a long list of rulers indicating the origin of the Chola dynasty. वो कह रहा है क्या लिखा हुआ है कि जो कॉपर प्लेट ग्रांट्स है उसको और किस किस नाम से जाता है? अनविल, करांडी और द कन्याकुमारी स्टोन इंस्क्रिप्शन, है ना. और ये बहुत लंबी लिस्ट देते हैं, बहुत लंबी लिस्ट देते हैं रूलर्स की इंडिकेटिंग द ओरिजिन ऑफ चोला डायनेस्टी, जिससे हमें पता चलता है किसके बारे में, चोला डायनेस्टी का ओरिजिन कैसे हुआ. अनदर सेट ऑफ कॉपर प्लेट, अनदर सेट ऑफ कॉपर प्लेट कंटेन्स 31 कॉपर सीड्स. और जो बाकी के अलग कॉपर प्लेट्स वो क्या करते हैं, 31 कॉपर सीड्स कंटेन करते हैं. दिस प्लेट्स आर रिटन इन संस्कृत एंड तमिल, और इनके ऊपर जो लिखा गया है संस्कृत में तमिल में लिखा गया है. 31 है ऊपर संस्कृत में और तमिल में लिखा गया है. दे रिकॉर्ड अ ग्रांट मेड टू अ टेम्पल बाय राजेंद्र चोलावर. दे रिकॉर्ड अ ग्रांट मेड टू अ टेम्पल. दे रिकॉर्ड अ ग्रांट मेड टू टेम्पल. अच्छा वो कह रहे हैं इन 31 कॉपर सीट्स में ऐसा भी लिखा, सीट में तो ऐसा भी लिखा हुआ है ना, एक सीट में कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जो एक टेंपल के बारे में है. अब वो टेंपल के बारे में किसने लिखवाया है? बाय राजेंद्र चोलावर, है ना, राजेंद्र चोलावर. एक कॉपर प्लेट आपको दिखाई दे रही होंगी. द इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द चोलास. द टेल अस अबाउट द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इससे हमें सर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन द ब्लेज एडमिनिस्ट्रेशन टैक्सेशन एंड लैंड रेवेन्यू. यानी कि इंस्क्रिप्शन का नाम है जो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है कि ब्लेज में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, टैक्सेशन कैसे होता था, लैंड रेवेन्यू का क्या सिस्टम था. ठीक है, और क्या क्या लिखा हुआ है उनके ऊपर. द रिकॉर्ड गिव्स एंडोमेंट्स. एंडोमेंट्स हमें पता है क्या होता है, कुछ भी हम जो देते हैं गिफ्ट के तौर पर, ठीक है, वो. द रिकॉर्ड गिव्स एंडोमेंट्स टू टेंपल्स एंड ब्राह्मण. कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस आर द रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रांट्स ऑफ विलेजेस प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड अदर प्रिविलेजेस टू इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस बाय द चोलास. प्रिविलेज बढ़ा है, हमें प्रिविलेज मतलब था स्पेशल राइट्स, है ना, एक स्पेशल प्रायोरिटी. ठीक है, स्पेशल राइट बोल देना, स्पेशल पावर बोल दो, प्रायोरिटी बोल दो, कुछ भी बोल दो. ठीक, तो कॉपर प्लेट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है कि विलेजेस के लोग कितने ग्रांट देते थे, क्या लैंड देते थे और अदर प्रिविलेज इंडिविजुअल्स को दिए जाते थे बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ चोलास और चोलास किंग वगैरह, क्या क्या प्रिविलेज थे नॉर्मल लोगों को और इंस्टीट्यूट्स को, ये भी हमें लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल एक लेडन ग्रांट है जो कि कहाँ पर है, हॉलैंड के एक म्यूजियम में है, जो कि हॉलैंड के एक म्यूजियम में. सर हॉलैंड में कैसे पहुँच गया ये हमारा चोला डायनेस्टी का, ये तो अम्बेडकर जब आए थे तभी सब कुछ उठाकर ले गए थे बेसिकली. ठीक है, लेडन ग्रांट है. ठीक है, लेडन ग्रांट है ऑफ परंटका चोला एंड दोज ऑफ पर केसरी उत्तमा चोला, है ना. तो ये कुछ एग्जाम्पल ग्रांट्स हैं बेसिकली, सो कॉल्ड एज दे आर प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम ऑफ लेडर इन हॉलैंड. ये कहाँ पर प्रिजर्व है ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं आपसे. म्यूजियम ऑफ लेडर
हॉलैंड, हॉलैंड में कोई लेडन है, लेडन के अंदर में एक म्यूजियम है, ठीक है। दे इन्फॉर्म अस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल और सेटिंग अप ऑफ अ न्यू इमेज ऑफ द डाइटिक। मैंने ये भी लिखा हुआ है कि कैसे टेम्पल बनती थी उस टाइम पर, कैसे डाइटी यानी देवियों की मूर्ति बनाई जाती थी, इमेज बनाई जाती थी। सम इंस्क्रिप्शंस हैव रॉयल ऑर्डर्स ऑन टैक्सेशन, जैसे किसी पर लिखा हुआ है कि रॉयल ऑर्डर्स आते थे टैक्सेशन के रिगार्डिंग, लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग। रेजोल्यूशन ऑन ब्रेज असेंबलीज, ब्रेज में जो असेंबलीज होती थी उसको क्या रिजल्ट निकलता था बेसिकली, वो जजमेंट्स डिलीवर्ड अगेंस्ट पर्सन गिल्टी ऑफ थेफ्ट, कुछ चोरी वगैरह होती, मतलब कोई भी रिजल्ट निकल रहा है किसी की पनिशमेंट का, तब वो भी लिखा होता था उसमें इंस्क्रिप्शन में, चाहे मर्डर का हो, चाहे चोरी चोरी का हो, चाहे अदर काइंड का हो, किसी का भी हो, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर होती थी इंस्क्रिप्शन के तौर पर, है ना। इंस्क्रिप्शन ऑन टेम्पल वॉल्स सर्व द पर्पस ऑफ पब्लिक रजिस्ट्रेशन सच एज रिकॉर्ड ऑफ सेल्स, मॉर्गेजेस एंड अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स एंड विलेज लैंड। इंस्क्रिप्शन के थ्रू मतलब ये और भी काम करते थे, ऐसे कोई पब्लिक में कोई रजिस्ट्रेशन करना है तो अब इंस्क्रिप्शन के थ्रू हो जाता था, जैसे कि सेल्स रिकॉर्ड करनी है तो इंस्क्रिप्शन पर लिख दो, हो गई रिकॉर्ड सेल्स रिकॉर्ड। कोई मॉर्गेज कोई चीज़ गिरवी रखनी है, इंस्क्रिप्शन पर लिख दो तो हो गया काम। कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो इंस्क्रिप्शन पर लिख दो, हो गई दूसरी की प्रॉपर्टी, बस हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से हमें इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलती थी, और बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है चोला डायनेस्टी के बारे में, लेकिन हमें इंस्क्रिप्शन के थ्रू नहीं। एक टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, इसके थ्रू में पता चलता है, क्या पता चलता है। द चोला बिल्ट अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। द गेट वे ऑफ द टेम्पल वॉज कॉल्ड, द गेट वे ऑफ द टेम्पल वॉज कॉल्ड गोपुरम, द गेट वे ऑफ द टेम्पल वॉज कॉल्ड टेम्पल गो गोपुर। अब देखो पहले ने लिखा है कि उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनाए, फिर कह रहे हैं टेम्पल का जो गेट होता था, जो गेट की तरफ का जो रास्ता था उसको गोपुरम कहते हैं। अब पता नहीं गेट ऑफ द टेम्पल किसी एक टेम्पल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे टेम्पलों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हर तरह के टेम्पल का जो गेट का जो रास्ता होता था ये उसको क्या बोलते थे, गेट वे को गोपुरम, है ना। द मेन स्टैंड वॉज नोन एज गर भगीरथ, अखर भगीरथ मेन जो स्टैंड थे उनके, वो किस नाम से फेमस थी, वो घर भगीरथ, ठीक है। हेयर द इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस फॉर कैप्ट, यहाँ पर भगवान, यहाँ पर देवताओं और देवियों की इमेजेस रखी जाती थी। दीज इमेजेस आर मेड आइदर ऑफ स्टोन और ब्रॉन्ज, ये जो इमेजेस होती थी ये किससे बनती थी, या तो स्टोन से या फिर ब्रॉन्ज से। द मंडपा और द ऑडियंस हॉल, यानी कि एक चीज पता चलिए आपको, ऑडियंस हॉल को मंडपा बोलते हैं, वोकेबुलरी आपको याद रखनी है। वॉज अ प्लेस वेयर पीपल गैदर्ड फॉर प्रेयर्स, है ना, आप लोग प्रेयर के लिए इकट्ठे होते थे। इट वॉज बिल्ट इन फ्रंट ऑफ द मेन स्टैंड, ये मेन स्टैंड के बिल्कुल सामने बनाई गई थी। द चीफ फीचर्स ऑफ चोलस टेम्पल टेम्पल आर द मैसिव विमान्स और टावर्स एंड स्पेशियस कोर्टयार्ड्स, वो कह रहे हैं जो मेन फीचर्स था बेसिकली चोला टेम्पल्स के, वो क्या थे, उनके बहुत सारे टावर्स, विमान लिखा हुआ है यहाँ पे टावर्स, है ना, टावर्स बहुत सारे टावर, और उनके स्पेशल मतलब स्पेशल लिखा हुआ है शानदार कोर्टयार्ड, उनके जो कोर्टयार्ड होते थे शानदार शानदार, वो उनकी क्वालिटीज है बेसिकली। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द चोला ये बृहदेश्वर टेम्पल की पिक्चर है। द एग्जांपल ऑफ द टेम्पल इज द बृहदेश्वर, है ना, आल्सो नोन एज राजराजेश्वर टेम्पल, हाँ ये नाम तो आपने सुना होगा, अगर सुना होगा तो फिर मेन एग्जांपल जो है ना इनके टेम्पल्स ना, तो वो है बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको और किसी नाम से भी जाना जाता है, राजराजेश्वर टेम्पल, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, इनकी पूजा होती है यहाँ पर लॉर्ड शिवा की। इट इज लोकेटेड एट थंजावुर, जगह याद होनी चाहिए, एंड वॉज बिल्ट बाय द चोला किंग राजराजा,
किससे बनाई गई थी, किसने बनाई थी ये? राज राजा, देखो राज राजा, राज राज अपने नाम पर इन्होंने टेंपल के नाम रख लिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ द्रविड़ियन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर। इनके आर्किटेक्चर का बेस्ट सैंपल था, बेस्ट पीस था कि इन्होंने ये टेम्पल बनाया, बहुत बढ़िया बेस्ट पीस था आर्किटेक्ट। यहाँ पर उन्होंने अपना स्टाइल लगाया। द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल वो हैज अ ग्रेट विमन टावर विच राइजेस टू हाइट ऑफ 190 फीट। ये जो टावर जा रहा है ये बहुत हाई जा रहा है, 190 फीट तक का, ये इनका मेन फीचर है। ठीक है, इट इज क्राउन्ड बाय मैसिव डोम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन 25 फीट हाई एंड वेइंग अबाउट 80 टन। ओके, इनका जो मेन फीचर वो सिंगल सिंगल डोम जो उन्होंने बनाए हुए हैं, ये डोम बनाए हुए हैं 20 फीट के जो हैं, हर किसी का वेट 80 80 टन है, ये भी है फीचर है ना। द मैसिव टेम्पल बिल्डिंग इज कवर्ड फ्रॉम द बेस टू टॉप विद स्कल्पचर्स एंड डेकोरेटिव मॉल्डिंग्स। वो कह रहे हैं यहाँ तो लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ ना कुछ स्कल्पचर, कुछ ना कुछ डिजाइन बनी है। देखो ये आपको पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली, कुछ ना कुछ बने हुआ है नीचे से लेकर बेस से लेकर टॉप तक, नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ ना कुछ बने हुआ है, कुछ ना कुछ बनाई हुआ है। द श्राइन हाउस गिगांटिक शिवलिंगम, यहाँ पे शिव का बहुत बड़ा एक लिंग है। कट इन मोनोलिथिक रॉक अबाउट 8.8 सेंटीमीटर हाई, द टेम्पल हैज मेनी स्ट्रक्चर सच एज नंदी पवेलियन। यहाँ पे और भी टेम्पल हैं, मतलब यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर हैं लाइक नंदी पवेलियन, यहाँ पे नंदी की पूजा होती है। अ पिलर्ड पोर्टिको एंड अ लार्ज असेंबली हॉल। अच्छा, तो क्या भी इसके लिए पिलर्ड पिलर से घिरी हुई एक जगह है जहाँ बहुत बड़ा असेंबली हॉल है। द बृहदीश्वर टेम्पल इज द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ अ स्प्लेंडेड पीरियड ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल स्पेसिमेन ऑफ तमिल आर्किटेक्चर। ठीक है, टेम्पल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज भी डिक्लेयर किया हुआ है। कौन सा वाला? ये राजराजेश्वर टेम्पल को। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पढ़ा जरा। नेम द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंस्क्रिप्शन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन चोलर। क्या सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं इंस्क्रिप्शन के कि कॉपर प्लेट्स पर बने हुए हैं, ठीक है, और दीवारों पर भी बने हुए हैं, हर जगह पर बने हुए, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, हु एस्टेब्लिश द रूल ऑफ चोलास, यानी फर्स्ट रूलर का नाम लिखना है बेसिकली। नेम द कैपिटल ऑफ इज एम्पायर, शायद अभी हमने पढ़ा नहीं है। बस इतना ही करना है। ठीक है,